नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंसल। महिला एवं बाल विकास कार्यालय बमीठा के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। एक तरफ जहां इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में शासन द्वारा तमाम अर्श से हज तक इंतजाम करने और कोरोना के चपेट में आने से लोगों को बचाने के लिए अनगिनत महत्वपूर्ण कार्य चलाए जा रहे हैं, और वहीं देश की भारतीय विकास कार्यों को एक तरफ रखते हुए इस महामारी से निपटने के लिए सभी विभागों का बजट कम करके इस पर ध्यान देने के लिए और लोगों को बचाने के लिए मिशन के रूप में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वही जमीनी हकीकत पर यह आलम है, महिला बाल विकास बमीठा में महिलाएं मीटिंग समारोह में सम्मिलित हो रही है, लेकिन कोरोना को लेकर इनके दिलो दिमाग में जरा सा भी कोई ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ गरीब लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए विभाग द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं, पोषण पुनर्वास और आंगनबाड़ी कार्यालय के माध्यम से बच्चों को सशक्त पोशाक बनाने के लिए दूध, दही, खीर, पूरी, गुड़, पपड़ी, पंजीरी, खिचड़ी, अनगिनत खाद्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये एक तरफ से कहा जाए तो हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग जैसी स्थिति है बमीठा महिला बाल विकास कार्यालय की। बेटा कहाँ ना तुम? मालती। आंगनबाड़ी जा था? ओते का मिलत खाए हैं? गजक मिलत पंडीली हैं और दरिया हैं। अबे अबे गई थी? हाँ। कितना? आज जो है News 29 की टीम जमीनी हकीकत देखने के लिए शासन की प्रशासन की पहुंची है जमीनी स्तर पर, और देखते हैं कि क्या आम पब्लिक को सुविधाएं शासन द्वारा मिल रही हैं और इन तक कहां तक पहुंच पा रही हैं, ये जानेंगे जमीनी स्तर के लोगों से। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालकृष्ण है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। छोटे हैं कि बड़े हैं? जी 3 बड़े हैं, 2 नातने हैं छोटे। अच्छा, तो इनको आंगनबाड़ी से दूध, दलिया, खिचड़ी वगैरह जो मिलता है शासन से, पपड़ी हुई जैसे और लड्डू, दूध वगैरह, खीर, ये सब कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, और आप कोरोना काल में जब यहाँ आए थे तो आपको पंचायत से कोई सहयोग मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। माता जी आपका नाम क्या है? वल्लू। अच्छा, तो आप जो है आपके बच्चे हैं? हाँ, वही तो है, 3-4 लड़का हैं, उनकी नाती। आप आपके बच्चों को ये मिलता है कुछ खाने पीने को? नहीं मिलती। अच्छा, और जैसे बहू को जो है, जैसे गर्भवती होती है जो बहू आपकी, किशन जी ये बताएं कि आपको जो है शासन से योजनाओं से लाभ मिल रहा है क्या? कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। अच्छा, और जैसे महिला बाल विकास में काफ़ी चीज़ों जो है आपके बच्चों के लिए सुविधाएं देती है शासन, जैसे कि दलिया हुआ, पंडित हुई और मंगलवार को खीर हुई, दूध हुआ, लड्डू हुए, तो क्या ऐसा कुछ बच्चों को आपके मिलता है? नहीं मिलता है। और आपके जैसे घर में बहू वहू है कोई? हाँ। तो बहू के बच्चे हुए हैं? हाँ, बच्चे हुए हैं। अच्छा, तो बहू जब आपकी प्रेगनेंट हुई थी तो उसको जो है पहले 3-4 लगने पर प्रधानमंत्री जी की एक योजना है मातृ सुरक्षा।